हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शिलोंग में जो वैकेंसी निकली है ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर की, उसके बारे में, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और एलबीटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे आप पहले नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल करते हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप जेएसआई की वेबसाइट पे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाके आपको रिकेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड बाई डायरेक्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्थन ईस्टर्न रीजन शिलोंग के लिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम फॉर्म कैसे फिल करना है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको हिंदी इंग्लिश, नोटिफिकेशन में हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा वरीयता जो दी जाती है इंग्लिश वाली नोटिफिकेशन को दी जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको नोटिफिकेशन नंबर है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है फॉर्म में। आप भी पूछते रहते हैं कि कैंडिडेट, बाद में हम बता स्किप हो जाता है, माइंड से बताते नहीं तो नोटिफिकेशन नंबर क्या है, नोटिफिकेशन नंबर क्या है ऐसे। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे और नोटिफिकेशन जो आपको डेट डालनी होती है, जो इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में हमने, तो वहाँ पे आपको इम्प्लॉयमेंट में न्यूज़पेपर में जब आया था वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको जो वैकेंसी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शिलोंग में आपकी वैकेंसियाँ रहने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है आपके इंडियन सिटीजन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इस टोटल 25 वैकेंसी इसमें आपको रहने वाली है फ्रेंड्स। और पोस्ट का नाम ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर ग्रुप सी में आपकी वैकेंसी आती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे पोस्ट वाइज डिटेल्स के बारे में। तो आपके इसमें जो पोस्ट का नाम ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर रहने वाला है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी जनरल के लिए 10 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहेगी, ओबीसी के लिए फ्रेंड्स 7 वैकेंसी, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। टोटल 25 25 वैकेंसी है, 2 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पोस्टिंग जो आपको पहले से यहाँ पे दिए गए हैं, ईटानगर है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, शिलोंग है, एजोल है, दीमापुर है, गंगटोक है एंड अगरतला, यहाँ पे आपको दिए गए पोस्टिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। पे स्केल की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें लेवल 2 का आपका पे स्केल होता है 19,900 से 63,200 आपका इसमें पे स्केल आपको देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है फ्रेंड्स। एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, 25 साल आपकी इसमें एज लिमिट मांगी गई है फ्रेंड्स। 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 25 साल आपकी एज इसमें मांगी गई है फ्रेंड्स, जो कि आपके नोटिफिकेशन के लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उससे आपकी काउंट होने वाली है। 12 सितंबर से आपकी, 12/9 से आपकी एज काउंट होगी। और डिपार्टमेंटली कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स इसमें रखी गई है। और फ्रेंड्स, आपको एज रिलेक्शन जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, आपको एज रिलेक्शन एस टी एस सी के लिए 5 साल का, कि एस टी एस सी वाले 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट 28 साल तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वालिफिकेशन। इसमें आपके 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल LMV एंड हैवी मोटर व्हीकल HMV आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर्स का फ्रेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रक जीप ट्रैक्टर से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहले से वर्किंग आपको जो पोस्टिंग का हमने बताया वहाँ पे बता चुके हैं, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरम, सिक्किम आपको यहाँ ऐसे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इन स्टेटों में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, नॉर्थन रीजन में, आप ईस्टर्न रीजन में ये स्टेट्स आते हैं फ्रेंड्स। प्रोविजन साइन टाइम जो रहता है 2 साल आपको मिनिमम काम करना पड़ता है, रेगुलर एंड टेम्परेरी, तो बट टेम्परेरी बट लाइकली लाइकली टू बी परमानेंट। तो फ्रेंड्स, ये अधिकतर परमानेंट ये वैकेंसियाँ परमानेंट ही हो जाती हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज का यहाँ पे दिया गया है, ड्राइविंग ऑफ लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल, लोकेशन फैकल्टी एंड कैरी आउट ऑफ मेरर रिपेयर डिफेक्ट वगैरह के, जो माइनर रिपेयर और डिफेक्ट होते हैं उनका करना होता है, चेंज व्हील्स आपको, टायर वगैरह चेंज, और बाकी यहाँ पे आपको दिया गया आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो जो फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन भेजना है, द एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड HOD नॉर्थ ईस्टर्न रीजन GSI लंबरगंज रियांज रियांजा शिलोंग 7 9
3006 पे भेजना होगा, जो कि आपको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा, या तो ऑर्डिनरी के थ्रू नहीं भेजना है, अदर और कोई मेथड से आपको नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स 12 सितंबर 2022 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपका फॉर्म पहुंचता है तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डेट जो आपको लिखनी होती है फॉर्म में वो यहाँ पे दी गई है, 30 जुलाई से 5 अगस्त के एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो हाउ टू अप्लाई के लिए बात करते हैं, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनको फुलफिल डॉक्यूमेंट आपको फुलफिल करना होगा फॉर्म को, उसको हम बताएंगे कैसे फॉर्म फिल करना है और नॉर्थन रीजन में आपको फॉर्म भेजना होगा। फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ फ्रेंड्स आपको 2 सेल्फ एड्रेस ब्लैंक एनवेलप उन पर अपना एड्रेस लिखना होगा, लगाने होंगे। सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो, इत्यादि और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगाने होंगे। कंप्लीट फॉर्म फिल करना होगा और फ्रेंड्स इस वाले एड्रेस पर आपको भेजना होगा, रजिस्टर और स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेजेंगे। और बाहर वाला जो लिफाफा है फ्रेंड्स, जो लिफाफा बाहर वाला जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म रखेंगे, उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑर्डर ग्रेड ड्राइवर एंड कास्ट आपको जरूर लिखना है, और अल्फाबेट आपको बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखना होगा फ्रेंड्स। अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आके देख सकें, यदि आप एक सर्विस मैन है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसी, जीएसआई के पास ये अधिकार है कि आपकी वैकेंसी घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम नीचे फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, बाकी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, सेल्फ असिस्टेंट आपको करना होगा फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नाम पोस्ट का लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा जो भी आपका नाम है, यहाँ पे आपको फादर नेम लिखना होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी एज लास्ट डेट से 12 सितंबर से कैलकुलेट करके लिखनी है कि आप कितने साल के हो गए, यहाँ पे आपको जेंडर लिखना होगा मेल या फीमेल जो भी है, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस या ईएसएम जो भी एक्स सर्विस मैन आप अपनी वो कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना होगा, विद ईमेल आईडी लिखना होगा, नहीं लिखेंगे आप ईमेल आईडी तो फ्रेंड्स आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम लिखेंगे, अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखना होगा फ्रेंड्स। नेशनल टीम है इंडियन आपको लिखना होगा, INDIA इंडियन लिखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको पोस्टिंग के जो प्रेफरेंस आपके डालनी है स्टेज वाइज, आपको स्टेट वाइज आप डालेंगे, आप पोस्टिंग के लिए ऊपर बताया था हमने आप किसके लिए ज़्यादा वीरता देते हैं, आप कहाँ पे आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा, स्टेट वाइज यहाँ पे आप डाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे भरनी होगी, आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगाना होगा, यहाँ पे यस कर देना है, लगा रहे हैं तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी यस करना होगा, नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल्स आपको आनी चाहिए तो भी यस करना होगा, एलबिट और रीड आपको रीड पढ़ना लिखना आना चाहिए हिंदी इंग्लिश उसमें भी आपको यस करना होगा। डिटेल ऑफ आपको ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पे डालनी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखेंगे और ऐसे डैश करके एंड करके यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखेंगे, नेम ऑफ अथॉरिटी और एड्रेस आपको लिखना होगा, टाइप ऑफ लाइसेंस आपका क्या है वो लिखना होगा, पीरियड ऑफ वैलिडिटी आपको यहाँ के लिखनी होगी, एक्सपायरी डेट लिखनी होगी आपका कब एक्सपायर हो रहा है फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस आदि आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको डिटेल, नेचर ड्यूटी आपको एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, किस पोस्ट पे आप काम करते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, आपका क्या पोस्ट थी, क्या नेचर ड्यूटीज थी, क्या आपका पे स्केल था वो आपको लिखना होगा, ड्यूरेशन कब से कब तक, फॉर्म टू आपने कब तक काम किया वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपको जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेल्फ असिस्टेड ऑल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे और यहाँ पे यस करना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आप उस पर यस आपको करना होगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे, मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको लगाना होगा, LMB HMB एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा फ्रेंड्स, फोटो डेट ऑफ बर्थ आपको लगाना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे EWS कैटेगरी से भर रहे तो आपको EWS लगाना होगा, एक्स सर्विस मैन से भर रहे तो आपको डिस्चार्ज बुक और NOC लगवाना होगा फ्रेंड्स। 2 सेल्फ असिस्टेड एड्रेस ब्लैंक उन पे अपना सेल्फ एड्रेस लिखेंगे और भेजेंगे, अदर और भी जो डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन एडिशनल आपको लगाने होंगे यदि आपके पास हैं तो, और यहाँ पे यस करेंगे और लगाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको अपना डेट लिखना होगा, यहाँ पे पहले से यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें जो आपकी करेंगे पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस का, जो आपका रहने वाला है क्या रहने वाला है। एग्जाम 2 स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है, 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, पहला रिटन टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होगा
और अर्थमेटिक का होगा 60 मार्क का आपका रहने वाला है। सेकंड इससे ट्रेस टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग का होगा 40 मार्क का देखने को आपको मिलेगा। फैटना वो एग्जामिनेशन का स्टेज वन एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट में आपको कॉम्पिटेटिव टाइप एग्जाम होगा, मल्टी चॉइस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 मार्क का 90 मिनट का ड्यूरेशन मिलता है फ्रेंड्स। लैंग्वेज आपको पेपर के और आंसर शीट की हिंदी इंग्लिश दोनों बूथ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क है, तो आप मैक्सिमम लाएंगे तो इससे कोई आपको क्वालिफाइंग से कैटेगरी आपकी परसेंटेज बेस पर जो आप जितने क्वालिफाइंग लाएंगे उस पर मेरिट आपको उस पर हिसाब से आपको सिलेक्शन होने वाला है। सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं, तो ये भी आपका फर्स्ट जो इसमें दो होते हैं, एक तो होता है प्रैक्टिकल और एक रिटर्न टेस्ट होगा। कॉम्पिटिटिव और मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। पार्ट वन में 20 नंबर का क्वेश्चन, 30 मिनट और हिंदी इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल में कॉम्पिटिटिव रहेगा, प्रैक्टिकल 20 मार्क रहेंगे, 20 मिनट इसमें आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशंस का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करंट नॉलेज में आपको जो जो आएंगे, करंट नॉलेज 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क इज आपका रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंट 20 क्वेश्चन, 1 मार्क इज सिंपल अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन, 1 मार्क इज आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। सेकंड स्टेज के लिए जो आपको है, फर्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें रोड साइंस वगैरह, वायरस वर्जन ऑफ सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में नॉलेज ऑफ पार्ट व्हीकल पार्ट लाइसेंस ट्रैफिक लाइसेंस वोकर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल्स वगैरह जीपीएस रिलेटेड नॉलेज आपसे पूछने को मिलेगी। प्रैक्टिकल टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट के बारे में, कैरी आउट माइनर रिपेयर्स एंड ड्रिलिंग बाय द ड्राइवर, चेंज ऑफ व्हीकल्स ये आदि देखने को आपको मिलेंगे। रिलैक्सिंग आपको देखने को मिलेगी, 20 मार्क का देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप हिंदी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ हिंदी देखने को मिलेगा। हिंदी में आपको यहाँ पे दिया गया है सब कुछ हिंदी में, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेबस भी हिंदी में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।